हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैन कोर्ट। तो स्वागत करते हैं आज के कमल क्रो के साथ। आज के जो वीडियो में बात करेंगे, जो भी हमारे जो यूट्यूब चैनल के ऊपर एड स्टॉक का जो प्रॉब्लम आ गया था, उससे जो हमें कैसे फिक्स करना है। मेरे जो फ्रेंड ने एक अलग मेथड यूज करके उसके जो दो यूट्यूब चैनल का एड स्टॉक का प्रॉब्लम है जो ठीक कर लिया है। लेकिन इसमें जो जिन भी क्रिएटर के मान लीजिएगा पीसी से अभी के समय जो एड आ रहे हैं, उसका जो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे क्रिएटर है उनका जो यानी कि फोन से भी एंड्रॉइड डिवाइस से भी एड स्टॉक का प्रॉब्लम हो चुका है, और साथ ही साथ पीसी से भी एड नहीं आ रही। ये वाला जो दिक्कत है इनके लिए जो थोड़ा बहुत यानी कि टाइम भी लग सकता है। खुद मेरे चैनल का यानी कि पीसी से भी एड नहीं आ रहे और एंड्रॉइड से भी नहीं आ रहे। कभी कभी थोड़ा बहुत ऐड आ जाता है, लेकिन मान लीजिएगा पहले जैसे ऐड जो आना स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए जो हम एक मेथड यूज कर लेंगे, उससे जो अभी के समय जो ऐड आने का यानी कि चांस बहुत ज्यादा जो बन सकता है, पूरा जो मेथड इस वाले जो वीडियो में बता दूंगा। जिस भी क्रिएटर के यानी कि पीसी से ऐड आ रहे हैं, उसका जल्दी से जल्दी जो ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये वाले जो वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे जो मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी कि ओपन करके पूरा का पूरा डेमो बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो मैं मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे जो सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो वाइट स्टूडियो को हमें जो लॉगिन करना है, तो यहाँ पे जो मैं वाइट स्टूडियो को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने वाइट स्टूडियो ओपन कर लिया, तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मेरा जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसी वजह से नेट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये देखो हमारा जो चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो हमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी, मोनेटाइजेशन वाले जो सेक्शन में आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे जो आपको जूम इन करके दिखा दूंगा। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो ओवरव्यू के बाद में यहाँ पे जो हमें एड्स वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमें जो एड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो आपको यानी कि बहुत सारे जो क्रिएटर, जो भी क्रिएटर यानी कि क्रोम से वीडियो को यानी कि अपलोड करते होंगे, तो यहाँ पे जो उनको यानी कि उनके जो वीडियो का यूट्यूब ने जो भी रेटिंग दी है वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो क्रिएटर को मेरे जैसा ही नॉर्मल यानी कि ऐसा शो हो रहा होगा, तो ये जो रीजन है आपको जो यानी कि जो भी क्रिएटर यानी कि खुद से एप्लीकेशन से यानी कि यूट्यूब वाले से यानी कि वीडियो अपलोड करते हैं, उनको ये वाला जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आपको यानी कि ऐसे 20 वीडियो बना लेना है, जैसे कि मान लीजिएगा नॉर्मल भी बना सकते हो, जेन्युइन भी बना सकते हैं, वो वीडियो जो आपको क्रोम ब्राउजर से अपलोड कर लेना है। जैसे कि मान लीजिएगा डेस्कटॉप मोड से भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो यूट्यूब का रेटिंग एड का हमें जो सेटेबिलिटी का यहाँ पे जो पता चल जाएगा हमारे जो किस रीजन से एड है जो नहीं आ रहे। और उसके बाद जो हमें दूसरा वाला जो मेथड अप्लाई कर लेना है, जो भी हमारे जो चैनल का यानी कि एडसन अकाउंट है उससे चेंज कर लेना है, ये जो दूसरा वाला जो मेथड, और उसमें जो हमें जो फ्रेश वाला जो एडसन अकाउंट जो ऐड कर देना है। इसी वजह से ये दो वाले जो तरीके आपको जो सबसे पहले तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर क्रोम ब्राउजर से 20 वीडियो अपलोड कर लेने हैं। सबसे पहले ये बात होने के बाद आपको जो एडसन अकाउंट जो आपका चेक यानी कि चेंज कर लेना है। लेकिन चेंज कब करना है, जब भी यानी कि मान लीजिएगा एड सेटिबली में आपके जो यानी कि वीडियो का यहाँ पे जो आपको रेटिंग शो करेगा, तब जाकर ये आपका जो एडसन अकाउंट चेंज कर लेना है। तब जाकर जो आपके वीडियो के ऊपर जो प्रॉपर आना गारंटी के साथ कहता हूँ प्रॉपर एड आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक मैंने जो 20 वीडियो अपलोड नहीं कर लिए चैनल के ऊपर, तो जल्दी से जल्दी मैं भी यानी कि 20 वीडियो अपलोड करने की यानी कि यहाँ पे जो ये होता है कि रिसेंटली मैं जो भी 20 वीडियो अपलोड कर रहे हो वही यहाँ पे जो आपको रेटिंग मिल जाता है। तो आपको जो क्रोम ब्राउजर से वीडियो आपसे अपलोड कर रहा है 20 वीडियो का रेटिंग आपको जो मिल जाता है, तो उसके बाद जो आपको एडसन अकाउंट को चेंज कर लेना है। बाकी और भी कोई भी यानी कि मेथड आपको जो अप्लाई करने की जरूरत नहीं, लाइव स्ट्रीम, सुपर चैट, आप जो ये वाले जो दो तरीके ट्राई कर लेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका भी एड आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो लगभग इसमें जो 15 दिन का मुझे समय लग सकता है, मैं भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर लूंगा। बाकी ये वाला जो तरीका जल्दी से जल्दी आप भी ट्राई कर लेना, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका भी ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपको फ्रेश यानी कि एडसन लगाना पड़ेगा, आप किसी ऑदर वाले का यानी कि जो भी चैनल के ऊपर जो CPM वर्क हुआ है वो वाला जो यानी कि एडसन इसमें यानी कि ऐड मत कर दीजिएगा, फ्रेश वाला जो यहाँ पे जो एडसन लगा दीजिएगा, यहाँ पे जो ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।